की जो नोज पिन है वो नोज में अटक गई है, तो आपको क्या करना है, नोज पिन को इस तरीके से हल्का सा ऊपर की तरफ में खींचना है, ठीक है। इस तरीके से जब आप खींच लोगे, थोड़ा सा नीचे की तरफ से ऊपर की तरफ में प्रेस करना है, ठीक है। Hi guys, welcome back to our channel Inky Tutorial. This is me, your Inky, and welcome to an exciting video. So guys, कैसे हैं आप सब, उम्मीद करती हूँ आप सब बहुत बढ़िया होंगे। तो आज मैं आप लोग के साथ डिटेल में शेयर करने वाली कि नोज पिन किस तरीके से रिमूव करते हैं। जी हाँ, नोज पिन रिमूव करना बहुत आसान होता है और आप लोग बार बार मेरी वीडियोज़ पर आकर यही कमेंट करते हो कि नोज पिन किस तरीके से रिमूव करना है। मैं डिटेल में आप लोग के साथ शेयर करूँ, फिर मैं ट्रिक्स बताऊँगी जिससे कि आपकी नोज पिन जो है वो बिल्कुल भी टूटेगी नहीं और आपकी जो नोज पिन है वो बहुत आसान तरीके से रिमूव हो जाएगी। तो चलिए फटाफट से वीडियो को शुरू कर लेते हैं। लेकिन वीडियो में आगे जाने से पहले, अगर आप मेरे चैनल पर पहली बार विजिट करें तो सबसे पहले मेरे चैनल को करिए सब्सक्राइब, सब्सक्राइब करने में छोटा सा बेल बटन है उसे हिट करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा ताकि मेरी आने वाली वीडियो की लेटेस्ट नोटिफिकेशन आप तक पहुंचे और आप मेरी वीडियोस को सबसे पहले वॉच कर सको। सो विदाउट फर्दर डू लेट्स गेट स्टार्टेड। बेसिकली क्या होता है कि जो नोज पिन होती है ना वो हमारे नोज के होल में अटक जाती है, ठीक है। तो इसी वजह से आपको क्या करना है कि नोज पिन जब भी आप वेयर करते हो आपको उससे कुछ कुछ दिन बाद चेंज करते रहना चाहिए, ठीक है। इस तरीके से अगर आप करोगे तो आपका जो नोज पिन है वो अटकेगा नहीं और आप कोई भी नोज पिन बहुत आसान तरीके से वेयर कर सकोगे, ठीक है। तो जैसे कि आप देख रहे हो ये तली वाली नोज पिन है, इस नोज पिन को ही खोलना थोड़ा सा डिफिकल्ट होता है एंड इसकी ही आप डिमांड करते हो कि तली वाली नोज पिन को हम किस तरीके से खोलें या फिर स्क्री टाइप की नोज पिन जो होती है उसे हम किस तरीके से रिमूव करें, ठीक है। तो आज इस वीडियो में आप लोग के साथ यही शेयर करूंगी किस तरीके से आपको इसे रिमूव करना होता है। तो सबसे फर्स्ट, अगर आपकी जो नोज पिन है वो नोज में अटक गई है तो आपको क्या करना है, नोज पिन को इस तरीके से हल्का सा ऊपर की तरफ में खींचना है, ठीक है। इस तरीके से जब आप खींच लोगे, थोड़ा सा नीचे की तरफ से ऊपर की तरफ में प्रेस करना है, ठीक है। जब ये इस तरीके से ऊपर आ जाएगी तो आपको नोज पिन ऊपर आ जाएगी तो आपको इस टाइप का ईयरबड लेना है। ईयरबड पे आपको यहाँ पे तेल लगाना है, तेल लगाने के बाद में आपको ऑयल लगा लेना है, ऑयल लगा लेने के बाद आपको नोज पिन के अराउंड आपको इस तरीके से अच्छे से ऑयलिंग कर लेना है। ऊपर की तरफ में भी आपको ऑयल लगा लेना है और नीचे से अंदर की तरफ में भी आपको ऑयल लगा लेना है, ठीक है। ऐसे क्या होगा कि जब आप ऑयल लगाओगे तो आपका जो नोज पिन है उसमें थोड़ा सा जो अटक गई है वो थोड़ा सा मूव करने में आसानी हो जाएगी, ठीक है। ऑयल लगा लेने के बाद आपको इससे अच्छे से इस तरीके से ऊपर नीचे 4 से 5 बार आपको ऊपर नीचे कर लेना है, उसके बाद में कुछ मिनट तक छोड़ देना है। आपको इस तरीके से नोज पिन को ऊपर और नीचे की तरफ में करते रहना है, ठीक है। ऊपर नीचे कर लेने के बाद अब मोस्ट इम्पॉर्टेंट चीज आता है जिससे कि आप अपने नोज पिन को बहुत आसान तरीके से खोल सकोगे, ठीक है। तो आपको कुछ भी नहीं करना है, जस्ट आपको नोज पिन को इस तरीके से 1-2 बार घुमा लेना है, इस तरीके से राउंड कर लेना है, ठीक है। और नीचे की तरफ से तो आप देख सकते हो ये जो तली दिख रही है इसे आपको अच्छे से पकड़ लेना है, ठीक है। नेल की हेल्प से आपको अच्छे से पकड़ लेना है ताकि वो स्लिप बिल्कुल भी ना हो, अगर वो स्लिप हो जाएगी तो फिर वो खुलेगी नहीं। तो आपको अच्छे से टाइट से पकड़ लेना है, उसके बाद में ऊपर की साइड से भी आपको नोज पिन को अच्छे से पकड़ना है, उसके बाद आपको धीरे धीरे खींचना है, ठीक है। धीरे धीरे आपको इसलिए कह रही हूँ ताकि आपको पेन ना हो, धीरे धीरे आप 2 से 3 बार ट्राई करोगे तो आपकी जो नोज पिन है वो आसान तरीके से खुल जाएगी। इस तरीके से आपको अपने नोज पिन को रिमूव करना है, ठीक है। बहुत ही सिंपल तरीके से आप इस तरीके की तली वाली नोज पिन को रिमूव कर सकते हो जो कि आपका जो नोज पिन है बिल्कुल भी टूटेगा नहीं और जो अटका हुआ नोज पिन है वो भी बहुत आसान तरीके से खुल जाएगा इस तरीके से, ठीक है। मेरा जो नोज पिन है जब अटक जाता है तो मैं इस तरीके से ही इसे रिमूव करती हूँ और ये जो नोज पिन है वो बहुत आसान तरीके से निकल जाता है, ठीक है। तो नेक्स्ट वीडियो में मैं आप लोग को बताऊंगी कि स्क्रू टाइप की जो नोज पिन है उसे किस तरीके से रिमूव करना है। तो आई होप कि आज का वीडियो जो है आप लोग को पसंद आई होगी कि तली वाली नोज पिन को हम किस तरीके से खोल सकते हैं, ठीक है। इस तरीके से ही आप अपने नोज पिन को खोल सकते हो। सो गाइज, आई होप कि आज का वीडियो आप लोग को पसंद आया होगा। वीडियो अगर पसंद है तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियो को अपने फैमिली एंड फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिएगा। थैंक यू सो मच मेरे वीडियो को देखने के लिए। मिलती है अगली वीडियो में, तब तक के लिए स्टे सेफ, बाय बाय, टेक केयर।